आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। मणिपुर में पिछले डेढ़ महीने से जारी हिंसा और तनाव की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। विपक्ष लंबे समय से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। महिलाओं का एक बड़ा समूह सेना की आवाजाही में बाधा डालकर उपद्रवियों की ढाल बन रहा है। भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने इसकी जानकारी दी। इम्फाल पूर्व में औरंगपत ये गांग पोकपी वाई के पी आई और कांग पोकपी के इलाकों में सशस्त्र बदमाशों ने दोपहर में गोलीबारी की। हथियारबंद बदमाशों का एक समूह वाई के पी आई से पहाड़ी की ओर इलाके में घुसा। उन्होंने औरंगपत और ग्वालताबी गांवों की ओर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। महिला प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह क्षेत्र में अतिरिक्त टुकड़ियों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है। सेना ने सशस्त्र उपद्रवियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर नाकेबंदी की है। अब तक 1095 हथियार बरामद। शांति बहाली के लिए शुक्रवार को भी कई जिलों में तलाशी अभियान जारी रहा। सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान में अब तक कुल 1095 हथियार, 13702 गोला बारूद और विभिन्न प्रकार के 250 बम बरामद किए गए हैं। पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान जल्द। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि समझौता का उल्लंघन करने वाले SOO समूहों और सभी सशस्त्र समूहों के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय बल बहुत जल्द संयुक्त अभियान शुरू करेंगे।